हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे व्लॉग में। और आज मैं आया हुआ मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर में एक बहुत ही फेमस पार्क है जिसका नाम है जुब्बा सानी पार्क। तो आज हम लोग वहाँ पे आए हैं। इस पार्क का नाम जो है एक फ्रीडम फाइटर के नाम से किया गया है। तो चलिए आज आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा और यहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या चीज़ कर सकते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं। और मेरे साथ है अरहम और अनस, मेरा दो भाई है। तो चलिए लेट्स गो। पार्क के बगल में जस्ट छोटा सा पार्किंग एरिया है दोस्तों, जहाँ पर अपना बाइक पार्क कर सकते हो। आप पार्किंग चार्जेस 10 रुपये हैं दोस्तों। ये पार्क का एड्रेस मैं यहाँ पे आपके स्क्रीनशॉट पे डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। ये हो गया टिकट काउंटर जो पार्क के जस्ट पहले होगा, और टिकट का दाम है 10 रुपये पर पर्सन। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं अंदर का नज़ारा। और ये गेट के अंदर हम लोग घुस चुके हैं। आप लोग जैसा कि देख सकते हैं मेरे संग हैं अनस और अरहम दोनों। ये लोग मुजफ्फरपुर में रहता है, मेरे लिए तो नया है। तो चलिए देखते हैं क्या ये मेन गेट से हम लोग घुस चुके हैं। दोस्तों ये पार्क सुबह 10:30 से लेकर रात 8 बजे तक खुला रहता है। और धूप तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ इंट्रेंस पे एक लंबा सा सीट, बैठने से भी जलने लग जाएगा। ये पार्क जो है दोस्तों बच्चों और बड़ों के लिए एक अच्छी पिकनिक की जगह है। ये मुजफ्फरपुर की सबसे फेमस पार्क है। ये फिलहाल अभी बंद है, शाम से स्टार्ट होगा। बन चुका है बटरफ्लाई। मुझे दोस्तों यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ लगी ये पहाड़। ये छोटा सा पहाड़ एक खूबसूरत लुक देता है इस पार्क को। तो चलिए ऊपर की तरफ जाते हैं और देखते हैं ऊपर से कैसा लगता है। ये मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा दोस्तों। ये देखिए, ये बैठने की जगह बनाई हुई है, ऐसा लगता है कि पेड़ को काट कर बनाई गई है। ये देखिए दोस्तों, और ऊपर से कुछ इस तरीके का नज़ारा आप लोगों को देखने को मिलेगा। वाह, चलो कम ऑन। यस देखिए कर रहा हूँ, नहीं तुमसे तेज कर रहा हूँ, एक एक कर रहा, तुम देखे कर एक किया। पावर, वाह, इसका विनर है आराम। अरब पावर लगाओ। तो सपोर्ट दे रहा मरम को, तब जाके वो एक बार ही बैठ जाएगा ना। अब करो। नहीं होगा। छोड़ दो, नहीं होगा तुमसे ना हो पाएगा। चलो कम ऑन। वाह, कम ऑन, वाह। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको लेके आ सकते हैं आप। उनके लिए बहुत सारा यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन बड़े लोगों के लिए कुछ नहीं है, बस सिर्फ बैठने की जगह है, बस और कुछ नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर और टॉयलेट का फैसिलिटी है, जिसके लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये छोटा छोटा हट टाइप का यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, जहाँ पे आप अपना आराम से फैमिली मेम्बर को ला के यहाँ पे बैठ के इंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि ये दोनों यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। कैसा लगा अनस, कैसा लगा घूम के? बढ़िया, ठीक लगा? और आराम तुम्हें?
ठीक ठाक। और हम इसलिए ठीक ठाक बोल रहा क्योंकि यहाँ उसका खेलने का कोई जगह नहीं है, सब बच्चा लोग का लिया। अनस इसलिए खुश है क्योंकि यहाँ जितना बच्चा लोग का लिया जितना चीज है वो सब कर चुका है, इसीलिए ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को देखिएगा और बताइएगा कमेंट में कि कैसा लगा आप लोगों को यहाँ का पार्क। चौके मुजफ्फरपुर बहुत बड़ा टाउन तो नहीं है, इसीलिए यहाँ का जो यही एक पार्क है जो काफ़ी नामी है। और बहुत सारी जगह है लेकिन इतनी कोई खास नहीं है। ये खास जगह था जो मैंने सर्च किया था गूगल में, तो मैं यहाँ पे आया। और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो में कमेंट जरूर करना और बताना कि और आगे मुझे क्या ब्लॉग बनाना है। जो जब तक के लिए बाय दोस्तों, टेक केयर।